दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है स्क्वायर रूट। तो आज हम स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे और वो भी उस तरह का स्क्वायर रूट का क्वेश्चन होगा जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। सिंपल स्क्वायर रूट का क्वेश्चन हम नहीं लेके आए हैं, उस तरह का क्वेश्चन रखे हुए जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको बहुत सारे विद्यार्थी लॉन्ग विधि से इस प्रश्न को हल करते हैं, लेकिन हम लॉन्ग विधि नहीं बताएंगे, बहुत ही इसका शॉर्ट विधि बताएंगे। देख सकते हैं कि इस तरह का प्रश्न हम निकालना है, 13-2 है ना, रूट में 42 का वर्गमूल निकालना। अब देखिए वर्गमूल सिंपल रूप में, जैसे कोई कहा कि 225 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप सीधे से बोल सकते हैं कि वो 15 होगा, या 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं कि 5 होगा, सिंपल। तो ये प्रश्न जो है ये सिंपल प्रश्न नहीं है, ये कुछ कंसेप्ट के माध्यम से बनता है। तो आइए इस तरह का प्रश्न को हम देखते हैं। इस तरह का टोटल हम प्रश्न जो है 5 से 7 गो क्वेश्चन जो है एक जगह इकट्ठा किए हैं और ये वाला टाइप आपका बिल्कुल आज क्लियर कर देते हैं हम, ठीक है। कि इस तरह का प्रश्न आएगा तो कैसे हल करेंगे, और इस टाइप का नाम है कि जब रूट के ऊपर रूट हो, जब रूट के ऊपर रूट हो तो वैसे प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ गया प्रश्न आपके सामने, सबको दिख रहा होगा प्रश्न, प्रश्न बड़ा कर दिए कि सबको दिख रहा होगा, ठीक है। वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखिएगा, आपको एकदम क्लियर दिखेगा। प्रश्न ये है कि रूट अंडर 15 + 6√6 का मान क्या होगा, रूट अंडर 15 + 6√6 का मान क्या होगा, ठीक है। अब इस प्रश्न को देखिए, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आपको मिले कि कैपिटल रूट के अंदर एक स्मॉल रूट हो, मतलब एक बहुत बड़ा रूट के अंदर एक छोटा सा रूट मौजूद हो, तो वैसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे। बहुत विद्यार्थी इसको इतना बराबर x मान के हल करते हैं, द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तब ये प्रश्न को हल करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हल करना इसको। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न क्या है, 15 + √6, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब भी रूट के अंदर बड़ा रूट के अंदर एक छोटा रूट मौजूद हो, बड़ा रूट के अंदर एक छोटा रूट मौजूद हो, तो क्या करिएगा ना, छोटका रूट के बगल में या जो भी डिजिट लिखा होगा इसमें के सबको भगा दीजिएगा, सिर्फ 2 को बचा लीजिएगा, सिर्फ 2 को बचा लेना है। कितना बचा लेना है, सिर्फ 2 को, या 2 पहले से हो तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर 2 के जगह पर 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो कुछ भी हो, यहाँ 2 बचाना है, बाकी को उठा के इस छोटका रूट के अंदर भेज देना है। तो देखिए कैसे, ये 6 को तुरिए द्वितीय का 6, 2 को यही बचा लीजिए, 2 को यही पर छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो 3 है ये छोटका रूट के अंदर भेज दीजिए, छोटका रूट के अंदर भेजिए। और ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी डिजिट को अगर रूट के अंदर भेजते तो आप एक हो है, लेकिन अंदर जाके वो बन जाता है डबल, अंदर जाके कितना बन जाएगा, डबल बन जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि रूट में जब भी डाटा मौजूद होता है वो डबल डिजिट में मौजूद होता है ना, 2 संख्या मौजूद होता है वहां पर। अब यहां पर 3 अंदर जाएगा तो ये इस तरह का दिखेगा, 15 + 2, 1 को 3 भेजे ना तो 2 को 3 जाएगा, तो 2 को 3 का मतलब 9 अंदर गया, और 6 पहले से है तो 9 × 6 = 54 हो जाएगा, ना समझे, 1 को 3 आप भेजे जाएगा 2 को 3, तो 3 × 3 = 9 चल गया, और 6 पहले ही से, तो 9 × 6 = 54 गुना हो जाएगा, क्लियर। तो प्रश्न ऐसा था लेकिन अब दिखने लगा ऐसा। अभी 54 को, अब देखिए अब सबसे खतरनाक तरीका, एक लाइन में आंसर आएगा, अब इस 54 को ऐसा तुक दीजिए, 54 को ऐसे 2 भागों में तुक दीजिए, 54 को ऐसे 2 भागों में तुकिए कि गुना करिए तो 54 हो जाए, लेकिन जोड़ दीजिएगा तो 15 हो जाए, बस इतना ही करना आपको। तो कहिएगा सर 9 × 6 = 54 तुक दीजिए, 9 × 6 = 54, ठीक है। अभी दोनों पर रूट का साइन मार दीजिए, 9 पर भी रूट लगा दीजिए और 6 पर भी रूट लगा दीजिए, ठीक है। अब यहां देखिए प्लस का साइन है ना, वही साइन यहां पर रख दीजिए, है ना, हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। अब देखिए 9 का रूट निकल जाएगा तो 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3, 6 का नहीं निकलेगा तो आंसर हो जाएगा ये वाला, जस के तस, 3 + √6, 3 + √6, सी नंबर सही हो जाएगा। आगे समझ में, तो जब भी रूट के अंदर एक और रूट हो तो उस तरह का प्रश्न को आप इस ढंग से हल कर सकते हैं। आप चाहिएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ये 2-3 स्टेप हम लिखे ना, इसको भी आप नहीं लिखिएगा और भी शॉर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए सेम वही क्वेश्चन है, कैपिटल रूट के अंदर एक स्मॉल रूट मौजूद हो, कैपिटल रूट के अंदर एक स्मॉल रूट मौजूद हो तो वो ऐसे प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे, और ये बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को यहां पर हम फिर से लिख देते हैं, 7 + √4 कितना, 3,
देखिए ये छोटका रूट के बगल में जो भी डिजिट हो, कुछ भी हो, 4, 8, 7 अभी बताए थे आपको, इसको ऐसा तुगिएगा कि यह 2 बच जाए, आप बाकी को सबको अंदर भेज दीजिएगा, तो इसको तुग दीजिए, 2 निकाल 4, मतलब ऐसा तुगना को में 2 एगो मौजूद होना चाहिए, ठीक है, और उसी तरह का वो सेटिंग किया जाता है कि 2 मौजूद रहता है, क्लियर। तो एगो 2 ये छोड़ दीजिए ये वाला को, एगो 2 अंदर भेजिए, तो बोले थे कि जब भी किसी डिजिट को अंदर भेजिएगा छोटका का, तो एगो नहीं जाएगा, जब जाएगा तो 2 आएगा, तो एगो 2 भेजे तो जाएगा अंदर 4, कौ जाएगा 4, और 3 पहले ही से मौजूद है, चलती है का 12, तो ये ऐसा दिखेगा 7 + 2 रूट अंडर 12, ना समझे, एगो 2 ये बच गया और ये 2 गया तो 4 हो गया अंदर गया, तो चलती है का 12, हो गया इतना। अब ये प्लस ऐसा था लेकिन अब दिखने लगा ऐसा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या करेगा, ऐसन के दे देगा, मतलब वहां पर 2 पहले ही से दे देगा, तो 2 पहले से दे दिएगा ना, तो फिर आपको किसी को अंदर भेजने की जरूरत नहीं है, समझ में आया बात। तो इस 12 को अब ऐसा तुगिए कि गुना करिए तो 12 लेकिन जोड़िए तो 7 हो जाए, गुना करिए तो 12 लेकिन जोड़िए तो 7, तो चकती का 12 तुग दीजिए, 4 × 3 = 12, ठीक है, और दोनों पर रूट लगा दीजिएगा, दोनों पे क्या कर दीजिएगा, रूट लगा दीजिएगा, और साइन प्लस का हो चाहे माइनस को, जो भी साइन हो यहाँ पर रख दीजिएगा, ये आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर 4 का भी रूट निकल जाएगा तो निकाल दीजिएगा, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, 3 का नहीं निकलेगा जस्ट कितना, तो आंसर बन गया 2 + √3 कहाँ है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, 2 + √3। आगे समझ में सबको, नोट कीजिए। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, तीसरा ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि 14 + √5 का वर्गमूल निकाले। अब कहिएगा कि सर अभी आप बताए थे कि कैपिटल रूट के अंदर स्मॉल रूट हो तभी ना वो मेथड लगेगा जो हम अभी बताए थे, लेकिन सवाल है कि सर यहाँ पर तो एक छोटा सा रूट है लेकिन इसके ऊपर रूट कहाँ है। देखिए ये भाषा क्या लिखा है, वर्गमूल कितना होगा, तो हिंदी जो भाषा लिखा है यही मैथ में कन्वर्ट होगा, यही साइन के रूप में बदल जाएगा, ये ऐसे हो गया, अब आपको दिखने लगा। अब अभी बताए थे कि छोटका रूट के बगल में जो भी डिजिट हो ऐसा तुगिएगा कि एगो 2 ये बच जाए, अब बाकी जो बचेगा सब छोटका को अंदर भेज दीजिएगा, तो ये तुग दीजिए 2 × 3 = 6, एगो 2 ये बचा लीजिए, 3 होकर अंदर भेज दीजिए, तो एगो 3 भेजिएगा तो एगो 3 नहीं जाएगा वो, जब जाएगा तो 2 × 3 जाएगा, है ना, तो 9 अंदर जाएगा, तो 9 × 5 = 45। अब ये ऐसा दिखेगा 14 + √45 हो गया। अब 45 को ऐसा तुगिए कि गुना करे तो 45 आ जाए लेकिन जोड़ देता 14 आ जाए, ठीक है, तो 9 × 5 = 45 तुगने पर हो जाएगा, इसको तुग देते हैं 9 × 5 = 45, क्योंकि गुना करेंगे तो 45 आ जाएगा लेकिन 9 × 5 जोड़ दीजिएगा तो 14 आ जाएगा। अब दोनों पैसे रूट मार दीजिए, अब प्लस का साइन है तो प्लस, अगर माइनस रहता तो माइनस, आंसर ये हो गया, लेकिन ये ऑप्शन में मैच नहीं करेगा इसलिए इसका भी रूट निकालना पड़ेगा, तो 9 का रूट कितना 3, अब 5 × 10 = 10 रहेगा, तो 3 + √5 आंसर हो जाएगा, हो गया क्लियर। चलिए तो इस तरह का प्रश्न रूट के अंदर, कैपिटल रूट के अंदर अगर स्मॉल रूट हो तो इस तरह का प्रश्न में कभी गलती मत कीजिएगा, कैसा भी क्वेश्चन हो आराम से बना के आ जाएंगे वहां पर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि 13 − √42, ठीक है। अब देखिए स्मॉल रूट है लेकिन कैपिटल रूट नहीं, लेकिन यहां भाषा पर ये क्या लिखा है, वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब इस सब पर रूट लग गया, है ना। अब देखिए पिछला क्वेश्चन जैसा हो गया ना, अब अभी आप सीखे थे कि जब भी छोटका के बगल में जो भी डिजिट हो यहां पर 2 होना चाहिए, बाकी वहां पर फालतू कुछ नहीं होने चाहिए, सब अंदर जाएगा, लेकिन पहले से 2 मौजूद है तो ना तो किसी को अंदर भेजना है ना किसी को बाहर निकालना है, जस के तस छोड़ दीजिए, ठीक है। बस आपको इतना करना है कि इस 42 को अब इतना तुग दीजिए कि गुना करिए तो 42 लेकिन जोड़िए तो 13, क्योंकि पहले से 2 मौजूद है, तो पिछला क्वेश्चन जो में आप जो इतना किए थे वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो 42 को तुगिएगा कैसे, 6 का 42, क्योंकि 7 × 6 जोड़िएगा तो 13 आ जाएगा, और गुना करिएगा तो 42 हो जाएगा। साइन माइनस का है तो माइनस लगा दीजिए, और दोनों पर रूट का साइन मारिएगा। कुछ भी इस तरह का प्रश्न हो रूट आपको मारना ही पड़ेगा, और साइन इस प्रश्न के अनुसार बदलेगा। अब बताइए 7 का रूट निकलेगा क्या पूर्ण डिजिट में, नहीं निकलेगा, 6 का भी नहीं निकलेगा, तो आंसर हो जाएगा 7 − √6, ठीक है, क्लियर, ये आंसर बना, हो गया। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पिछला जो बताए थे उससे इसका कोई भी मिलाप नहीं है,
चलिए ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न और पिछला प्रश्न से इसका कोई भी सिंपल क्वेश्चन है, ये कह रहा कि रूट 1500 प्लस 441 का मान क्या होगा, सिंपल है ना। तो यहाँ 441 का इस तरह का एक स्पेशल शॉर्ट तरीका से जो छोटा छोटा रूट होता है उसको बताएंगे। अभी तो आपको बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हम बता दिए जो एग्जाम में पूछेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी को अंदर ना भेजना है ना किसी को बाहर भेजना है। कैपिटल रूट का अंदर स्मॉल रूट तो है, लेकिन यहाँ पर किसी फैक्टर में नहीं टूटना है, ऐसे बस सिंपल ये बन जाएगा। वो फैक्टर में तब टूटेगा जब यहाँ दो मौजूद होता तब, या कोई दूसरा डिजिट मौजूद होता तब, जो मेथड अभी बताया वो लागू होगा। लेकिन यहाँ देखिए 441 का रूट कितना होता है, 21 हो जाएगा। तब 1500 पहले ही से मौजूद है, प्लस का साइन है तो प्लस, और इसका हो जाएगा 21 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1500 कितना, 1521। अब 1521 का अगर रूट निकालिएगा तो 39 आएगा। रूट निकालना हम आपको एक स्पेशल तरीका से सिखा देंगे, फिलहाल इस तरह का प्रश्न आ गया था तो उसको हम बता दिए। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी किसी को फैक्टर में टूटने की कोई जरूरत नहीं, किसी को अंदर भेजने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब कह रहा है कि 176 प्लस से रूट अंडर 24 जीरो है, तो देखिए कैपिटल रूट के अंदर स्मॉल रूट है, लेकिन अभी जो टेक्निक बताए थे वो वाला टेक्निक यहाँ पर नहीं लागू होगा। वो टेक्निक तब लागू होता जब यह दो मौजूद होता है या किसी और डिजिट मौजूद होता है, जैसे 6, 8, 4 है ना, 10 इस तरह का मौजूद होता तब, अभी जो पिछला ये वाला बताए थे ये वाला तब लागू होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुछ भी ऐसा लागू नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, रूट अंडर 176 प्लस 24 जीरो एक का रूट निकालिएगा अगर तो 49 हो जाएगा। 24 जीरो एक का रूट निकालिएगा तो 49 होगा। आप लोग का रूट निकालना आता ही होगा, इसका एक स्पेशल वीडियो बना दिया है रूट निकालने का, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या वीडियो में सर्च मारिएगा तो आ जाएगा। अगर इसे फिलहाल हम एक रूट निकालने का एक और भी तरीका आपको सिखा देंगे कि कितना भी बड़ा डिजिट हो तो उसको रूट कैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर 24 जीरो 1 का रूट हमको याद है, हम यहाँ पर 49 लिख दिए और 176, तो 176 और 49 जब जोड़िएगा 9, 6, 15 मतलब 225 कितना आएगा, 225, और 225 का रूट कितना निकल जाएगा, 15, ठीक है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई भी जान नहीं था उतना, ठीक है। तो आज हम नंबर सिस्टम का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बता दिए, तो आज का सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं।